हेलो एवरीवन, आई एम चंचल भारद्वाज एंड यू आर वाचिंग माय चैनल इनसाइटफुल एजुकेशन। और आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही नए टॉपिक पर, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये टॉपिक ग्रामर में बेसिक ही होता है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं और पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना क्यों जरूरी है। एक सेंटेंस जिन चीजों से मिलकर बना होता है, जिन जिन पार्ट से, मीन्स एक सेंटेंस को बनने में जितने पार्ट्स लगते हैं वो सब पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं। तो बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं वो 8 टाइप्स के होते हैं। तो हम जान लेते हैं कौन से होते हैं। फर्स्ट इज नाउन, देन प्रोनाउन, देन एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो ये हमारे 8 टाइप्स हैं पार्ट ऑफ स्पीच के। तो आज हम इसके पहले टाइप के बारे में बात करेंगे जो कि है नाउन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम नाउन के बारे में बात कर लेते हैं। नाउन बेसिकली है क्या? नाउन आपको बचपन से ये बात रटाई जाती है कि आप जब भी ग्रामर पढ़ना शुरू करते हो स्कूल में, क्लास में, तो आपको शुरू से एक बात बताई जाती है कि नाउन जो होते हैं वो किसी भी चीज का नाम होते हैं। ठीक है, नेमिंग वर्ड्स, इनको एक और चीज बोला जाता है नेमिंग वर्ड्स। मींस किसी भी चीज का नाम नाउन है, किसी भी पर्सन का नाम नाउन है, किसी भी थिंग का नाम नाउन है, किसी भी एनिमल का नाम नाउन है, फीलिंग्स नाउन है, और अगर हम बात करें कोई आइडिया वो भी नाउन है। तो जिस तरह से आप हर चीज का एक नाम देते हो, किसी भी चीज को एक नाम से एड्रेस करना, उसका कोई नाम देना नाउन है। तो हम बेसिकली कह सकते हैं ये बात कि दुनिया में हर एक चीज जो होती है वो किसी भी चीज का नाम जो होता है वो नाउन होता है। तो इसी तरह से ये हमारी डेफिनेशन भी है जो हमें बचपन से ही सिखा दी जाती है, फिर भी हम इसे पढ़ लेते हैं। अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, थिंग, फीलिंग और आइडिया। किसी भी पर्सन का नाम, एनिमल का नाम, थिंग का नाम, फीलिंग, आइडिया। जैसे कि पर्सन का नाम मैंने यहाँ लिखा है काव्या गर्व, दो पर्सन के नाम हो गए यहाँ पर। काव्या एक पर्सन का नाम है, गर्व एक पर्सन का नाम है। चीता, एनिमल को हम उनके नाम से ही जानते हैं, जैसे कि बियर हो गया, डियर हो गया, और हमारा चीता है, टाइगर है, तो ये सब हम उनको नाम से ही एड्रेस करते हैं। देन फीलिंग, फीलिंग जैसे हमारी हैप्पीनेस और इमोशंस, हमारे जितने भी मिजरीज हम बोल सकते हैं, ये सब हमारे फीलिंग्स में आती हैं। थिंग्स, बुक, नोटबुक, पेन, पेपर, ये सब नाउन है। ठीक है, और जैसे कि आइडिया, ये भी एक नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है बेसिकली। और कोई भी चीज जिसको हम नाम दे सकते हैं वो नाउन है। तो किसी भी चीज का नाम नाउन है, सन नाउन है, डॉग नाउन है, क्लास नाउन है, ये सब नाउन है। तो इनके इसी तरह का हमने जो नाउन है उसको हमने फर्दर डिवाइड किया है 9 कैटेगरीज में। तो 9 कैटेगरीज कौन कौन सी है? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कंपाउंड नाउन एंड पोजेसिव नाउन। तो अब हम इन सभी नाउन्स के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो चलिए हम अब इसके टाइप्स के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या है? नाम से पता चल रहा है कॉमन, कोई भी चीज जिसका नाम बहुत कॉमनली हम यूज करते हैं, जैसे कि जो सबका, मतलब सबके लिए हम एक ही जैसा नाम रखते हैं, जैसे कि गर्ल, बॉय, स्कूल, पेन, क्लास,
बुक सिटी टाउन कंट्री ये तो ये सब क्या है हमारे कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन कैसे हैं? हम जब किसी एक लड़की के बारे में बात करते हैं तो हम उसे लड़की ही बोलते हैं, गर्ल ही बोलते हैं, सबको गर्ल ही बोलते हैं बेसिकली, सभी लड़कियों को। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी लड़की को कुछ अलग ही बोलेंगे, सबको गर्ल बोलते हैं। तो बॉय सबको बॉय ही बोलते हैं। स्कूल सब स्कूलों के लिए हम स्कूल का ही नाम यूज करते हैं। पेन पेन को पेन ही बोला जाता है, सभी पेनों को पेन बोला जाता है, सभी क्लास को क्लास बोला जाता है, और बुक को बुक ही बोला जाता है, अनलेस एंटिल हम उसके बारे में ना बता रहे हो कि हम किसी पर्टिकुलर बुक के बारे में बता रहे हो। और जैसे कि सिटी, अब चेन्नई ये हम नाम नहीं ले रहे हैं, किसी सिटी का नाम बात कर रहे हैं, शहर का नाम ले रहे हैं, तो शहर शहर सारे शहर ही हैं, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें प्रॉपर नाउन की, तो प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो स्पेसिफिक पर्सन प्लेस एनिमल या थिंग के नाम होते हैं। स्पेसिफिक पर्सन, जैसे कि हम बात करें कोई भी किसी का नाम, जैसे कि जानवी, ये किसी का नाम है तो इसके इनिशियल्स हमेशा कैपिटल में आएंगे, ठीक है। और दूसरा किसी भी प्लेस का नाम, जैसे कि ताजमहल, ये स्पेसिफिक है, दो ताजमहल नहीं है, एक ही है, ठीक है। जैसे कि किसी भी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, फिजिक्स बुक, अगर वो बुक फिजिक्स की है तो वो हम स्पेसिफिक हो गई, लेकिन अगर वो खाली बुक है तो वो कॉमन हो गई। तो ये डिफरेंस होता है किसी भी प्रॉपर नाउन और किसी भी कॉमन नाउन में। प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक चीजों के लिए यूज होगा, जैसे कि सन, एक ही सन है, स्पेसिफिक है। अर्थ, एक ही अर्थ है, स्पेसिफिक है। तो स्पेसिफिक चीजें मीन स्पेशल चीजों के लिए हमारा, स्पेशल भी नहीं कहें तो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन इन पर्टिकुलर के लिए ही यूज होगा, तो उसको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन जो इन जनरल सभी के लिए एक ही जैसा वर्ड यूज होता है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। और अब हम आगे पढ़ते हैं बाकी के नाउन्स के बारे में। सो अगले नाउन के हम बारे में बात करते हैं। अब अगला नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है किसी भी ऐसी चीज का नाम जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको भी हम देख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं या जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। जैसे कि फ्रीडम, क्या हम फ्रीडम को टच कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसको उसको सोच सकते हैं, उसके बारे में फील कर सकते हैं। जैसे कि विजडम, हैप्पीनेस, इनोसेंस, तो ये सब चीजें जो हैं हम सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं या इनके बारे में सोच सकते हैं, इनको टच नहीं कर सकते, ना ही इनको हम देख सकते हैं, तो इन्हें बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ कंक्रीट नाउन, अब कंक्रीट नाउन इसका पूरा अपोजिट है, जिसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं, जिस बेसिकली जिसको भी हम अपनी सेंसेस के साथ परसीव कर सकते हैं, हमारे फाइव सेंसेस हैं तो उनके साथ हम परसीव कर सकते हैं, वो हमारा कंक्रीट नाउन होता है। जैसे कि चेयर, टेबल, सॉल्ट, शुगर एंड हैंड, ये सब चीजें जिनको भी हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये सब आती है हमारी कंक्रीट नाउन के अंदर। और जिनको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, जिनके बारे में सिर्फ और सिर्फ फील किया जा सकता है या जिन्हें सोचा जा सकता है, वो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये सब हो गया एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट। अब हम आगे पढ़ते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। सो काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? काउंटेबल नाउन होते हैं जिनको भी हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि कार, बॉक्स, पेन, वॉच, इन सब चीजों को हम काउंट कर सकते हैं। और इसी वजह से इसके दो टाइप भी होते हैं, वो होते हैं सिंगुलर और प्लूरल। जैसे कि अगर मैं कार की बात करूं तो इसका हम प्लूरल बना सकते हैं, कार्स। अगर हम बॉक्स की बात करें, इसका हम प्लूरल बना सकते हैं, बॉक्सेस। तो सिमिलरली जितने भी काउंटेबल नाउन होते हैं उनको हम सिंगुलर और प्लूरल में डिवाइड कर सकते हैं फर्दर। देन अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते, जैसे कि शुगर, क्या आप शुगर को काउंट कर सकते हो? नहीं। राइस, नो।
देन सॉइल। क्या हम इसे काउंट कर सकते हैं? नहीं। तो जिन भी चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते उनको हम रखते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के अंदर। अब हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। तो अगला नाउन है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है? किसी भी ग्रुप को जब हम कलेक्टिवली एड्रेस करते हैं, किसी भी पर्सन के ग्रुप को, एनिमल के ग्रुप को, थिंग्स के ग्रुप को, एटसेट्रा एटसेट्रा, जिनको भी हम एक ग्रुप में एड्रेस करते हैं, उनका एक नाम देते हैं, वो होता है कलेक्टिव नाउन। या फिर किसी भी एक ग्रुप की बात एज अ होल की जा रही है, जैसे कि ऑर्केस्ट्रा, बुकेट, तो ये सब चीजें इसमें आती हैं कलेक्टिवली, जब हम किसी भी चीज के बारे में कलेक्टिवली बात कर रहे हैं। जैसे कि फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, किसी भी सीढ़ियों का जो लगातार फ्लाइट होती है, मतलब एक सीढ़ियों का जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। देन स्कूल ऑफ फिश, एक तरह की फिश जब एक साथ रहती है उन्हें बोला जाता है स्कूल ऑफ फिश। शावर ऑफ रेन तो सभी को पता है, बारिश जब हो रही होती है हल्की हल्की उसे बोला जाता है शावर ऑफ रेन। तो ये होता है कलेक्टिव नाउन। देन कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन क्या होते हैं? जब दो नाउन एक साथ एक वर्ड में यूज होते हैं, या तो वो एक ही वर्ड में हो सकते हैं या वो अलग अलग भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन होते एक साथ ही हैं। जैसे कि टेबल क्लोथ, ये दो नाउन है लेकिन एक ही साथ लिखे गए हैं, तो इसीलिए टेबल क्लोथ। वीडियो गेम, गेम है, वीडियो गेम है, इसीलिए एक साथ बोला जाता है, इसीलिए कंपाउंड नाउन। सनलाइट, सन और लाइट को मिला के कंपाउंड किया गया है जिससे बना सनलाइट। देन फोटोग्राफ, तो ग्राफ और फोटो को मिक्स करके फोटोग्राफ बना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन एंड कंपाउंड नाउन। अब हमारा लास्ट बचता है पोजेसिव नाउन। अब हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट नाउन है पोजेसिव नाउन। पोजेसिव नाउन जिसके नाम से ही पता चलता है, जब हम कोई भी पोजेशन शो कर रहे हैं, जो भी चीज हमारे पास है, हमारी ओनरशिप हम उससे दिखाते हैं, जैसे कि मॉम्स कार। अब इसको इस तरह से मैंने क्यों लिखा? इसको इसी तरह से ही लिखा जाता है, हम इसमें पॉस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। पॉस्ट्रॉफी क्या होता है? किसी भी चीज को ओनरशिप से कनेक्ट करने के लिए, ओनर से कनेक्ट करने के लिए उसके हम पॉस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। तो ये जो पोजेसिव नाउन है ये इसी तरह से लिखा जाता है, जैसे कि स्टूडेंट्स बुक, स्टूडेंट की बुक, ठीक है। फादर्स एज, फादर की एज। ब्रदर्स ऑफिस, ब्रदर का ऑफिस। तो ये बेसिकली उनका पोजेशन दिखा रहा है, उनकी एज, उनकी बुक, उनकी कार, उनका ऑफिस। तो ये सब उनकी चीजें हैं जिनके भी बारे में मैंने बात की है। तो ये पोजेसिव नाउन हो गया। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे नाउन्स के बारे में जो होते तो प्लूरल हैं लेकिन लिखे सिंगुलर की तरह जाते हैं, और कुछ ऐसे नाउन्स जो सिंगुलर होते हैं लेकिन फिर भी उनके साथ एस आता है। तो नाउन और उसके टाइप के बारे में हम पूरी तरह पढ़ चुके हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे वो है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो नाउन में हमने अभी तक नहीं पढ़े, जैसे कि सम नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद एस। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा एस के साथ लिखे जाते हैं बट वो सिंगुलर नाउन्स होते हैं, जैसे कि क्लासिक्स सिंगुलर है, इकोनॉमिक्स भी सिंगुलर है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जिम्नास्टिक्स, न्यूज, एरोबिक्स, ये सब सिंगुलर नाउन्स हैं, लेकिन इनके साथ हमेशा एस रहेगा क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में ही इसी तरह लिखे जाते हैं। देन कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हम सिर्फ और सिर्फ प्लूरल में ही यूज करते हैं, प्लूरल फॉर्म में, जैसे कि बाइनोक्यूलर्स। तो बाइनोक्यूलर्स का पेयर होता है जिसको हम दो बाइनोक्यूलर्स को ही यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम दूरबीन का एक ही शीशे से देखते हैं, दोनों शीशों से देखते हैं। देन सनग्लासेस और सीजर्स, सीजर्स में भी दो ब्लेड्स होते हैं, सनग्लासेस में दो ग्लास होते हैं, तो इसीलिए ये हमेशा पेयर में आती हैं चीजें, इसलिए इनको हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज करते हैं। सीजर कुछ भी नहीं होता है, बाइनोक्यूलर भी कुछ नहीं होता है, बाइनोक्यूलर्स होता है, सनग्लासेस होता है, सीजर्स होता है, पैंट्स होता है, जीन्स, स्टेयर्स, लाइक्स, डिसलाइक्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक्स, गुड्स, बिलोंगिंग्स, सेविंग्स, सराउंडिंग्स, इन सब के साथ एस आता है क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं, इनको हम सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। देन
कुछ ऐसे भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसे अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं जिनके साथ हम ए और एन यूज कर सकते हैं, जैसे कि एन आइडिया, एन एग्जाम्पल, एन अपॉर्चुनिटी, अ विजिट। तो ये सब थे हमारे नाउन और उसके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उसके बारे में। आज से हम हमारे इंग्लिश की वीडियोस बनाना शुरू कर रहे हैं, तो आप अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और हमारे जिससे कि हम मोटिवेट होते रहें और आगे अच्छी अच्छी वीडियो आपको बना के पहुंचाते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। थैंक यू सो मच।